अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव ने की जारी। लिस्ट सामने आने के बाद सियासी गर्मी बढ़ी। कई दिग्गजों को मैदान में तेजस्वी यादव ने उतारा। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए भी तैयारी की तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। कोई उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा है तो कोई उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है। कोई गठबंधन में शामिल होने के सपने देख रहा है तो कोई चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर भी उतर चुका है। इस बीच लालू के लाल तेजस्वी यादव ने अपने पहले फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। लिस्ट सामने आने के बाद सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर, जिसे तेजस्वी यादव ने जारी किया है। लिस्ट के मुताबिक चकाई विधानसभा से सावित्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। शाहपुर सीट से राहुल तिवारी को तेजस्वी ने टिकट दिया है। जहानाबाद विधानसभा पर सुदय यादव आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। शेखपुरा सीट से विजय सम्राट के नाम पर दांव लगाया गया है। जमुई विधानसभा से विजय प्रकाश सिंह आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जगदीशपुर से रामविशुन लोहिया और बेलहर से रामदेव यादव को टिकट मिला है। नवीनगर से डब्लू सिंह और नवादा विधानसभा से विभा देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं। मखदुमपुर सीट से सतीश दास और बेलागंज से सुरेंद्र यादव को टिकट मिला है। बोधगया से सर्वजीत कुमार और रामगढ़ विधानसभा से सुधाकर सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। झाझा से राजेंद्र यादव और नोखा सीट से अनीता देवी को तेजस्वी यादव ने मैदान में उतारा है। ओबरा से ऋषि सिंह और सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव को टिकट दिया गया है। तारापुर से दिव्य प्रकाश और मसौड़ी विधानसभा से रेखा पासवान चुनावी मैदान में हैं। कटोरिया से स्वीटी हेम्ब्रम और गोह सीट से भीम सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इमामगंज से उदय नारायण चौधरी और बांका विधानसभा से डॉक्टर जावेद अंसारी को टिकट मिला है। कुर्था से बागी कुमार वर्मा और ब्रह्मपुर विधानसभा से शंभुनाथ यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोहनिया से संगीता देवी और दिनारा सीट से विजय मंडल को टिकट मिला है। शेरघाटी से मंजू अग्रवाल और डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाह को टिकट मिला है। मुंगेर से अविनाश कुमार और रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ा हरा से सरोज यादव और गुरुवार सीट से विनय यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। बाराचट्टी से समता देवी और अतरी सीट से अजय यादव को टिकट मिला है। भभुआ से भरत बिंद और धौरैया से भूदेव प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। संदेश से किरण देवी और सासाराम से विजय गुप्ता को आरजेडी ने टिकट दिया है। गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान और रजौली सीट से प्रकाश वीर उम्मीदवार बनाए गए हैं। और मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। बिहार में पहले चरण की कुल 71 सीटों में आरजेडी के हिस्से की सीटों पर लगभग सभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया था और अब उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। आरजेडी इस बार सत्ता में आने का सपना देख रही है, ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। चुनावी नतीजे बताएंगे कि सफलता किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।